चीज़ बालों के लिए वरदान से कम नहीं, ये चीज़ चमत्कारी है। ये चीज़ आपके घर में ही मौजूद है, आप इसके गुणों को नहीं महसूस करते, नहीं अप्लाई करते, तो आपको आज के वीडियो से बहुत लाभ होने वाला है। मैं ज्योतिष पर वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ बालों की प्रॉब्लम हर किसी को होती है, कहीं किसी न किसी अवसर पर शाय फील करता है, शर्म आती है कहीं जाते हुए, तो आप ये वीडियो देखकर लाभान्वित होइए। गंजापन मिटेगा, तुरंत बाल आ जाएंगे। बालों की लेयर अगर कम हो गई है, बालों का गिरना बरकरार है, तो ये आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं। इसको हेयर में लगाते ही चमत्कार होगा और आप देखेंगे आपका एक बार से ही प्रयोग से ही आपको लाभ मिलेगा। नित्य आप ये प्रयोग करें, रोज़ाना ये प्रयोग करें तो आप लाभान्वित हो सकते हैं। जब भी समय मिले आप इसको लगाएं हेयर में और चमत्कार आप देखेंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमा श्री में आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज का ये रेमेडी मैंने खुद अप्लाई किया है और तभी आपको बता रही हूँ, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैंने बेसिक सी चीज़ें ली हैं और उनको लगाया है, अपने बालों में लगाने के लिए ही मैंने बनाया है, तो मैंने सोचा लोगों का भला क्यों नहीं करूं, जिससे मुझे लाभ हुआ लोगों को भी लाभ होना चाहिए। तो ये वीडियो उन लोगों को समर्पित है जो बालों के गिरने से परेशान है, गंजेपन से परेशान है, बालों की थिनिंग से परेशान है, जिनके बाल अनवरत रूप से गिर रहे हैं। देखिए, मेडिकल जाँच आपको करवानी चाहिए अगर आपको किसी भी रेमेडी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपके बाल गिर रहे हैं, गंजापन है, तो इस वीडियो को देखने के बाद से आप लाभान्वित होंगे और आपकी ये समस्या तुरंत मिट जाएगी। मैंने लिया है दाना मेथी, जिसको फेनुग्रेक सीड भी बोलते हैं, मैंने उसको ओवरनाइट सोक कर दिया था। साथ में कलौंजी भी मैंने लिया था, और कलौंजी आपको लेनी है थोड़ी सी मात्रा में, और दाना मेथी लेनी है, और उसको मैंने उबाल के रख दिया था सुबह, और उसमें मैंने प्याज का रस मिक्स किया है। प्याज को ग्रेट कर लिया, लाल वाला प्याज होता है ना, उसको कस लिया मैंने, घिस लिया कद्दूकस से, और तीनों को मिक्स कर दिया और अपने सिर पर अप्लाई कर रही हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं। मैं एक दो घंटे लगा के रखूँगी, या पूरे दिन भी लगा के रख सकती हूँ, आप रात्रि को लगा के रख सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा होगा। रोज़मेरी ऑयल, एसेंशियल ऑयल भी हेयर ग्रोथ में बहुत फ़ायदा करता है। मैंने ऑनलाइन मंगाया है, तो मैं उसका भी प्रयोग पहली बार करूंगी, लेकिन आपको मैं ये सजेस्ट करूंगी कि रोज़मेरी ऑयल की कुछ ही बूंदे डालें, ये वंडर करता है। कैस्टर ऑयल भी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, और आलमंड ऑयल भी बहुत अच्छा होता है, जैतून का तेल भी बहुत अच्छा होता है। तो आपको रेगुलरली प्याज का रस लगाना है, प्याज का तेल भी आप बना सकते हैं, प्याज के तेल की वीडियो भी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन ये प्याज का रस ही वंडर करता है, और प्याज के रस को आपको नित्य लगाने से ही हेयर फॉल रुक जाता है। और शुद्ध घी का प्रयोग भी आप मसाज के रूप में हेयर पे कर सकते हैं, मैंने खुद अप्लाई किया, फिर आपको बता रही हूँ। मेरे जितना बाल झड़ रहे थे उससे मात्रा आधी के से कम हो गई, मतलब जितने बाल झड़ रहे थे मेरे पहले, वो बाल झड़ना रुक गया घी के प्रयोग से, सिर में लगाने से। मसाज करके रात्रि को सो जाना है, फिर आपको फ़ायदा होगा। आप दो घंटे भी घी लगा के रख सकते हैं, फिर शैम्पू, माइल्ड शैम्पू कर सकते हैं। हमेशा आंवला, रीठा और शिकाकाई का प्रयोग हेयर वॉश के लिए करिए। शैम्पू बेस लाकर उसका शैम्पू आप घर में बना सकते हैं। ये चमत्कारी प्रयोग आपको करना है और लाभान्वित होना है। थैंक यू सो मच।